तो ये है मेरा फाइनल लुक। मम्मी कैसा लग रहा है? क्या पोज देने पे लगे हुए? अरे एक घंटे से खुद ही सबसे पहले हो गई है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जैसे मैं व्लॉग की शुरुआत करती हूँ, कुछ भी कर रही होती हूँ, ये लोग मेरे को पीछे से आवाज़ देने लग जाते हैं। ये वैसे भी दिन भर देखते होते हैं। तो कल मेहंदी नहीं थी, मेहंदी आज है, आज रात को। लेकिन हम लोगों ने मेहंदी इसलिए लगाई क्योंकि क्या यार आवाज़ की वजह से मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही। हम लोग मेहंदी इसलिए लगाई क्योंकि शादी के दिन फिर डांस करने के लिए हो गए, इसलिए हम लोग आज ही फ्री हो गए। अच्छा चाय रख, चाय रख। हाँ मैं तो कम से कम बोलूंगी इसको। ये तू बोल रहे कहाँ जा रहे हो? बोल दे लो। ये जो मेरे यार तुम तो ढंग से क्यों नहीं बोलते, फिर मुझे ही बोलना पड़ता है सब कुछ। बोला तो ये बोल, ब्लॉग करता चुकी मैं। मम्मी पैसे तो भी बराबर खा रहा है जितने मैं खा रही। सूरज और साहिल जा रहे हैं, जो मेरी बड़ी बहन है उसको लेने के लिए। साहिल भी जा रहे हैं साथ में ना। तो चाय लेके हम लोग अपनी आ चुके हैं। बहुत अरमा भी बैठ गई, कह रही धूप पे बैठना है मुझे। मैंने कहा चिंता मत कर, हमारे यहाँ धूप अंदर ही आती है। पता क्या होना, ऐसा नहीं खाना, उसके बीच में इसको डालना है सैंडविच की तरह, डालना दो के बीच में। यार अच्छा होगा, मैं इसको टेस्ट करता हूँ। बोल रही थी कि अच्छा नहीं होता, देखो पूछो कैसे रहा। अच्छा अब इसको पसंद आ गया ना, अब ये खाते रहेगा। क्या क्या मैं वही रोटी नहीं खाना नहीं ना। मैं जरा गिरे मैं पानी में धूल ना डाल देना, मैं तुम तो पानी लाख लगा था अनुभव हुआ था तो फटाफट नहीं होना हुआ। इनको साइड कर देती हूँ क्या? ज्यादा तो बस टाइम पास किया। क्या ज्यादा तो मैंने दुए तो नहीं, बस टाइम पास किया। ये व्लॉग तब का है जब अंजलि आई नहीं थी, मतलब ना, तो इसलिए वो तब का देख रही है कि इन्होंने क्या क्या किया। मैंने लगा रखा है यहाँ पे अपने लिए पानी, क्योंकि हमने कहा रोड में नहीं, आग में ही पानी गर्म करते हैं, रोड में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। ये दारू की बोतल कौन जला रहा है? ये बोलो जिसने पियोगी वही जला रहा होगा। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताने वाली हूँ। क्या यही कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही है और मैं कम से कम बोलूँगी धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ बोलने के चक्कर में मैं अपनी आवाज़ ज़्यादा ख़राब नहीं कर सकती हूँ। तो मेरी दीदी का मंगल स्नान हो रहा है तो हम लोग उसके लिए तैयार हो रहे हैं। फिर यार ये बाल ना उसी वक्त नहाओ, अच्छे नहीं होते ना। मंगल स्नान चार बजे तक। हाँ तो जाना, हम यही तो कर रहे हैं हम। हाँ दादी कह रही अभी से, दादी अंजलि को बोल रही तेरे पास सोने के जेवर नहीं है क्या? तो क्या नकली पहन रही है? तो अंजलि कह रही है मैं असली नहीं पहन रही, मेरा इसी में फैशन है। स्वेटर नहीं पहनने का दादी, अंजलि क्या बोल रही है? दादी फैशन है ये, फैशन तब पहन लेंगे बाद में। हमारे यहाँ तो बहुत धूप है, हम ताप रहे धूप। दादी कह रही है वही तो ताप रहे हम, अब करते करते ये धूप ही तो सेक रहे हैं, धूप ही तो सेक रहे हैं। अब हमको जाने में लगेगा एक घंटा, तब इधर उधर। हम क्या हाँ काम हो चुका अभी, टीवी टीवी धनवे पर। हाँ हाँ पापा ने रखा है, पापा को रहने। दादी पापा ने रखा हुआ, हम छेड़खानी नहीं कर सकते। देखा ये पहन के सोना पहन, कोई भी सोने के पीले पीले हुए उसी को पहन। तो ये है मेरा फाइनल लुक। मम्मी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, देख ही नहीं रही। दिस इज माई मंगल स्नान लुक, दिस इज माई लुक ऑफ द डे। फाइनल अभी कल है। या मुझे ही नहीं दिख रहा कि मैं कैसी लग रही हूँ, पता क्यों? फोन ही नहीं दिख रहा यहाँ धूप में। क्या क्या बोल, क्या पूछेगी अगर वो पूछ ली कि मैं जी को मैनेजर बबली वो होता है क्या? ठीक है ओके। तो मेरी बड़ी बहन भी थोड़ी देर में पहुंचने वाली है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? सोचो सोचो अंजलि। यार मैं तो तैयार हो जाती हूँ टाइम से, लेकिन मेरे तैयार से टाइम से तैयार होने का कोई फ़ायदा नहीं होता। क्यों? मुझे यहाँ हजारों का काम करना होता है। लगा ले बाल ऐसे रखे तो कर। मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल लुक, ठीक है? फुल लुक सॉरी,
ये मेरे सैंडल नहीं दिख रहे, ये मेरे सैंडल है, हाथ पे निकाल के दिखाती हूँ, ये मेरे सैंडल है। चूज कर अपने लिए कौन से लगाएगी। साइज के हिसाब से होता है ना कि किस उंगली पे कौन सा लगे, तो लाइन वाइज रखते उंगली के हिसाब से। इतने बड़े बड़े थोड़ी लगाएगी, एक अंगूठा हो गया। मनो मनो मेरे पास तो हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर है मेरे पास। ये सूरज फोन कर, मेरी दीदी के बच्चे सूरज को वहाँ पे, सूरज कह रहा है कि मुझे गाड़ी नहीं मिल रही है, तो मेरी दीदी कह रही है कि हम नीचे ही आते हैं, जल्दी आ जा ठीक है। मनो जल्दी आ जा ठीक है। हाँ मेरे पास हेलीकॉप्टर है यहाँ, उनको भी कितनी एक्साइटमेंट हो रखी है, चल रहे ठीक है, लोहड़ बजा जल्दी जल्दी, मंगल स्नान हो जाएगा फिर इनको ले लेंगे। हाँ रेडी नहीं है, रेडी मेरे सैंडल मत पहनना, मुझे तो अपना कोई सामान नहीं दे रही है, देख रहे हो। सुनो सुनो एक काम करते हैं, कुछ लगे लोगों के घर के सामने चलते हैं, वहाँ थोड़ा रील शॉर्ट वगैरह डालते हैं ठीक है। मम्मी हम जा रहे हैं ठीक है, बाय गाइस बाय गाइस। अंतिम दिन तो गिफ्ट भी दिया क्या, फिर मंगल स्नान आते हैं भले के वो। हाँ तो हमने तो बिन्नी दीदी को, उसने ना जैसे ही हम लोग आए उसने अपना गिफ्ट दे लिया, भाग उठा तैयार वहां जल्दी, तो हाँ उसने तो बिन्नी दीदी ने हम जो उसके लिए गिफ्ट लेके आए थे उसने तो वो पहले ही देख लिया, तो हमने उसी वक्त दे दिया, हमने कहा ले जा ले तू। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तो घर गई थी क्या, मैं सुनू तू एक पहले ओके। तो अब हम लोगों ने फोटो वगैरह खींच लिए, अब आ रहे हैं हम दुल्हन के घर पे, हमारी प्यारी गौशाला। अंजलि ने खूब गोबर निकाल रखा है यहाँ से, अंजलि ने तो नहीं पर मैंने हाँ ठीक है, चलो चलो जाओ, इन लोगों की चलेगी फोटो जो फैशन, चलो चलो कहाँ पे जाओ बैठ जाओ, तुम लोग रास्ते में मत खिंचाओ, यहाँ पे इतने सारे लोग आ रहे जा रहे हैं। अगली बार अगली बार सच भी हमें हाँ भाई तो पोज देने पे लगे हुए, अरे एक घंटे से मेरे को काम लगे, ये लोग मुझे अटकाने पे लगे हैं, लेकिन मुझे काम करना है, नहीं तो बिन्नी दीदी बोलेगी ये लोग सिर्फ फोटो वोटो खींच रहे हैं, यहाँ कोई हेल्प नहीं कर रहे। हाँ ले चलो काम कर, चलो क्या चलो यार वो करो फोटो बाद में दे दूंगी, जैसे मैं ठीक ठाक हाँ ठीक है, यहाँ से शुरू किया जाए क्यों। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ पहले एक मंत्र बोल दो चाचा जी, भगवान विष्णु मंगलम तो धीरे धीरे लोग पहुंचने पे लगे हुए हैं, ये ताई जी लोग आ गए,
ये तो मेरी ताई जी है, ये दूसरी ताई जी। ताई पहुंचा, देर कर तुम पहुंचाने में हैं। अरे बात चेंज वाले ना, बात ना बढ़ा रहे, बात चेंज। तो यहाँ पे चल रहा है एक डिस्कशन, क्या होता है कि बात हमें, मुझे एक इंसान की याद आई, छोड़ो, भात हमारे परिवार वाले बनाते हैं ना, तो गांव वालों को पूरा करा, तब तक चाचा की तबीयत खराब हो गई, वो नहीं बना पा रहा है, तो ये ताई जी बनाती है चाचा के साथ ज्यादातर। तो अब ताई जी कह रही है कि नहीं, अब ये नई बहुएं बनाएंगी, तो मतलब तुम लोग सीखो कि कैसे कैसे क्या करना है। वैसे ज्यादा लोग नहीं है, जब ज्यादा लोग होंगे तो हमारे परिवार के जो बड़े मर्द हैं वो लोग ही बनाते हैं, लेकिन अभी हम ही लोग हैं आस पास के। तो यहाँ पे तो लेडीज लोगों का डिस्कशन चल रहा है, वहाँ पे ताऊ जी लोग सब, ताऊ जी चाचा सब लोग सब्जी वगैरह काट रहे हैं दिन के लिए। वही तो सब स्वेटर पहन के रखो भाई, फैशन में कोई मतलब हो, सब सब वो करके रहो क्या, क्योंकि सबको ठंड लग रही है, कहीं शादी के दिन के लिए बीमार ना हो जाए। ठंड है वहाँ, उनके यहाँ धूप भी नहीं है, तो स्वेटर पहन के जाओ। मैं तो स्वेटर नहीं, सब जैकेट से। अभी तेरे पास शॉल भी है, अपना काम करके वापस आ जाए फिर। तू क्या बोलू, जो चप्पल दिए रहो नी याद लेके मिस मैच चप्पल, और बेटे हम बंद कर दे लगाते हैं, अंजलि के चश्मे पसंद करेगा। ऐसा लग रहा है जैसे ऑपरेशन हो रहा होगा, नहीं लाऊंगा ऑपरेशन ना, ये है इसकी पसंद। ऐसा लग रहा है जैसे मैं शंकराचार्य हूँ और ऑपरेशन हो रखा है लोगों का। ऐसे क्या चश्मे लेके आई यार ये, थोड़ा सा पैसे वैसे खर्च करो, थोड़ा सा अच्छे चश्मे लेके आओ। हेलो मम्मी, कहाँ पहुँचा? एक ही नहीं फोन को आज अरे सोच निकले ही नहीं क्या अभी, होती है मकान वाले बाबरी का निकले ही नहीं क्या अभी? अरे यार आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? बुरी बात, बुरी बात। अंधेरा ठीक है, अपने हिसाब से आती है, अपने हिसाब से जाती है, यही होना चाहिए सब जगह सिस्टम ना। बैठ जा, बंद थोड़ा बजा।
खूब आग भी देखा वहां धीरे धीरे मेरे को लगा रहे हैं।